झारखंड के गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड में एनडीए की महाविजय संकल्प सभा का आयोजन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए गिरिडीह और कोडरमा से लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सड़क से लेकर खेत खलिहान के रास्ते पीएम मोदी को देखने और सुनने के लिए लोग पहुंचे हैं। लोगों का सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। विशेष जानकारी के लिए रफ्तार मीडिया के झारखंड स्टेट हेड अरविंद कुमार से हम जुड़ते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार झारखंड के स्टेट हेड अरविंद कुमार। अरविंद, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा है और उन्हें सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल रहा है? लेकिन यदि मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम होना है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के जो बिरनी का जगह है, जो गिरिडीह जिला में पड़ता है, वहां पर प्रधानमंत्री का सभा पहले 1 बजे निर्धारित था, लेकिन आज उनका वाराणसी में नामांकन भी था, इस कारण वो थोड़ा विलंब हुए हैं। पहले जो पार्टी के सूत्र है वो बताए थे 3 बजे तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन जो अभी जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री रांची पहुंच चुके हैं, रांची से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका है कार्यक्रम स्थल के लिए, तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन मैं बता दूं सुबह 8 बजे से कार्यक्रम, हालांकि 1 बजे निर्धारित था या दोपहर में निर्धारित था, लेकिन सुबह 8 बजे से ही हुजूम जो था वो मरना शुरू हो गया था कार्यक्रम स्थल पर, चाहे महिलाओं की भीड़ हो या बच्चों की, या तो कहा जा सकता है कि जिस रास्ते पर देखा जाए वहां पर लोगों का जत्था कार्यक्रम स्थल की ओर आ रहा था। कई लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए, तो कोई अब की बार 400 पार का नारा लगाते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। कई लोगों ने भगवा रंग से अपने शरीर को रंग रखा था, तो जो जुनून और जोश देखा जा सकता था वो सुबह से दिखाई दे रहा है। भीषण गर्मी में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ डटे हुए हैं, हजारों की भीड़ है प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए। और सुबह से ही कहा जा सकता है कि 8 बजे से जो 8 घंटा लगभग हो चुका है निधि, और अभी भी लोग डटे हुए अपने जगह पर भूखे प्यासे। जी अरविंद, क्या कुछ कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, लोगों की भीड़ जो है वो काफी संख्या में उमड़ी हुई है और तस्वीर मेरे सामने है, क्या कुछ यहाँ नया चीज देखने को मिलेगा, या हम यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कुछ लोगों को विशेष नया कुछ कहने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज तक के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री कोई देश के कोई प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में सभा करने पहुंच रहे हैं, ये यहाँ के लोगों की बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा, जो छवि और छाप पड़ा है लोगों के दिलो दिमाग में, तो एक बार सामने से देखने के लिए कहा जा सकता है कि लोगों में जुनून है, और ये इसी जुनून के चलते सुबह से ही आप सोच सकते हैं कई महिलाएं पहले सामने बैठने को लेकर सुबह 8 बजे 9 बजे ही यहाँ पहुंच चुकी है। काफी संख्या में बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री का एक झलक देना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री भी इन लोगों से रूबरू होंगे और अपनी जो बातें हैं वो कहेंगे। लेकिन इतना कह सकते हैं कि उनके आने के बाद राजनीतिक फिजा, जो चुनावी माहौल है वो बदलेगा। वो अन्नपूर्णा देवी जो कोडरमा से भाजपा की प्रत्याशी, अन्नपूर्णा देवी उनके पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं क्योंकि बगल के ही गिरिडीह जिला भी पड़ता है, गिरिडीह विधान लोकसभा भी पड़ता है, तो निश्चित तौर पर भी आयुष प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी के लिए भी वे जनसमर्थन की अपील करेंगे। तो कहा जा सकता है कि अगल बगल से जो भी लोकसभा क्षेत्र, चाहे धनबाद से ढुल्लू महतो हो, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी हो, गिरिडीह से चंद्रप्रकाश चौधरी हो, इन लोगों के लिए, हजारीबाग से मनीष जायसवाल हो, इन लोगों के लिए वे मांग करेंगे कि उन्हें समर्थन करें। अब देखना यह होगा, सभी का इंतजार है कि कब मोदी का हेलीकॉप्टर यहाँ पर आए और वे लोग एक झलक उनको देख सके, उनको सुन सके। जी अरविंद, जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है, क्या कुछ व्यवस्था लोगों के लिए की गई है? देखिए, भव्य 25,000 स्क्वायर फीट में भव्य पंडाल बनाया गया है लोगों को धूप से राहत देने के लिए, लेकिन भीड़ इतनी अधिक है कि पंडाल से बाहर लोगों को रहना पड़ रहा है। जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कुर्सी की, बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है, लेकिन जितनी भीड़ है कुर्सियां भी कम पड़ रही है, तो कहा जा सकता है कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्थापकों ने अपनी ओर से किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और को देखने और सुनने के लिए जिस तरह से हुजूम उमड़ रहा है, कहा जा सकता है अभी तो भीड़ जो चारों तरफ से आना जारी है, जो ही मोदी का हेलीकॉप्टर दिखाई देगा तो आस पास के गाँव के लोग जो है वो भी पहुंचेंगे। तो कहा जा सकता है कि जो व्यवस्थाएं तो की गई है, सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई, 5 IAS 5 IPS 20
डीएसपी और लगभग 450 सुरक्षा जवानों को लगाया गया है। तो 4-54 सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, बेहतर व्यवस्था की गई है। लेकिन कहा से गर्मी के समय में लोग कहे ना कि किसी तरह कोई पेपर झेल के तो कोई हाथ पंखा झेल के किसी तरह से सभा स्थल में जुटे हुए हैं, लेकिन कोई टस से मस नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि 8 घंटे से लोग डटे हुए हैं और वो उत्तर नहीं कर रहे हैं। अब पानी की व्यवस्था जगह जगह की गई है, लेकिन बोतलों को लेकर अंदर जाने पर मनाही है। कोई भी तरह का सिर्फ मोबाइल का उपयोग करने की छूट दी गई है। बाकी सारे लोगों को कोई भी सामान लेकर अंदर जाने के लिए मनाही की गई है। तो इसके बावजूद लोग डटे हुए हैं, तो जान सकते हैं कि मोदी को देखने और सुनने के लिए लोग कितने ललायित हैं। जी अरविंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएम मोदी का किस तरह कह सकते हैं हम कि लोगों में एक तरह से जलवा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह 8 बजे से ही कार्यक्रम स्थल पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक कार्यक्रम शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब है, आतुर है, और इतने घंटे बीतने के बावजूद भी सभा स्थल पर लोग डटे हुए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, अब बस इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उनके बीच वो भाषण देंगे जिसे लोग सुनना चाहते हैं।